एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने कार्डन मेथड लिया था। इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कार्डन मेथड के अकॉर्डिंग बेसिक स्टेप्स को चेक कर लेते हैं। बेसिक स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप होता है कि एक्स क्यूब का गुणांक इकाई होना चाहिए, इकाई है इसमें। फिर एक्स स्क्वेयर का स्टेप नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वेयर का स्टेप नहीं है इसमें। इसका मतलब जो बेसिक्स कंडीशंस थी हमारे पास कार्डन मेथड की, वो अप्लाई हो रही हैं। अगर बेसिक कंडीशन अप्लाई हो रही हैं तो माना जो इसका सॉल्यूशन है एक्स पावर यू पावर 1/3 प्लस वी पावर 1/3 है। एक्स क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो यू प्लस वी प्लस 3 यू पावर 1/3, वी पावर 1/3 यू पावर 1/3 प्लस वी पावर 1/3 की फॉर्म में आएगा। या इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 यू 1/3 वी पावर 1/3 इंटू एक्स माइनस यू प्लस वी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में बनेगा। ये एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो माइनस का 3 यू पावर 1/3 वी पावर 1/3 इक्वल्स टू -6, माइनस टू माइनस कैंसिल, यू पावर 1/3 वी पावर 1/3 इक्वल्स टू 2 आएगा, या यू इंटू वी इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। फिर इसमें कंपेयर करेंगे, -9 माइनस से माइनस कैंसिल, यू प्लस वी इज इक्वल टू 9। दोनों को सॉल्व करना है, आप पर डिपेंड करता है। आप आइदर यू की वैल्यू इसमें से निकाल के उसमें पुट कर दीजिए, या वी की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर दीजिए, और या फिर आपके पास लेट एक्स स्क्वेयर -9x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 इज एन इक्वेशन हुज रूट्स आर यू वी। हम एक ऐसी इक्वेशन मान लेते हैं, इस तरह से इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्स की जगह पर कुछ और यूज़ कर लीजिए, बिकॉज एक्स ऑलवेज ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। सो हम ऐसी इक्वेशन लेट कर लेते हैं जिसके रूट्स जो हैं वो यू और वी हैं, जिनका सम और प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है। फैक्टर करेंगे इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर हो जाएंगे वाई माइनस 8 वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल टू 8 एंड वाई इज इक्वल टू 1। एक वैल्यू जो है वो यू की हो जाएगी और अनदर वैल्यू जो है वो वी की। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यू की पावर 1/3 जब डिफाइंड करेंगे तो वो बनेंगे हमारे पास 2 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वेयर। वी की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर। फिर से सेम कंडीशन, हमारे पास यू और वी को कुछ इस प्रकार से डिफाइन करना है कि दोनों का प्रोडक्ट जो करने पर यू की पावर 1/3 और वी की पावर 1/3 का प्रोडक्ट करने पर हमारे पास 2 के इक्वल आना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएंगे वो कुछ इस फॉर्म में होंगे, 2 + 1 दैट इज 3, एक्स इक्वल्स टू 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर एंड एक्स इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा। दीज आर द 3 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तीसरा सवाल कर रहे हैं, 28x³ माइनस 9x² प्लस 1 = 0। पहला स्टेप होता है हमारे पास इसमें कि एक्स क्यूब का जो गुणांक होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, इकाई। लेकिन इसमें तो एक्स क्यूब का गुणांक इकाई है ही नहीं, इसका मतलब पहले तो एक्स क्यूब का गुणांक इकाई बनाना होगा। दूसरा, एक्स स्क्वेयर का पद नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वेयर का भी पद है इसमें, उसको भी हटाना होगा। लेकिन इसमें एक्स का स्टेप नहीं है। अगर कोई समीकरण ऐसी हो जिसमें एक्स क्यूब और एक्स स्क्वेयर हो, एक्स का स्टेप नहीं हो, तो उसको वो जो विधि थी हमारे पास एम से, यानी ऐसे समीकरण बनाना जिसके मूल एम के गुणज हो और उसके बाद में वो एच वाला, उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस समीकरण में एक्स की जगह पर 1/y पुट कर दो आप। अगर 1/y पुट करोगे
तो ये बन जाएगा 28 बटे वाई क्यूब माइनस 9 बटे वाई स्केयर प्लस 1 बराबर, अगर वाई क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो तो 28 माइनस 9 वाई प्लस वाई क्यूब बराबर जीरो, या वाई क्यूब माइनस 9 वाई प्लस 28 बराबर जीरो, इस रूप में बदल जाएगा। अगर इस रूप में बदल जाएगा तो कार्डन मेथड के अनुसार जो हमारे पास विधि थी या स्टैंडर्ड रूप था उस रूप में बदल गया। इसका गुणांक इकाई है, वाई स्केयर का पद है नहीं, इसको कार्डन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वाई के मान निकालेंगे, जो भी वाई के मान आएंगे वो इस रूप में रखेंगे तो एक्स के मान आ जाएंगे। आई बात समझ में? अब इसको कार्डन मेथड से सॉल्व करने के लिए माना लेट करके चलेंगे हम कि वाई जो है वो बराबर है यू पावर 1/3 प्लस वी पावर 1/3। सेम इक्वेशन बनेगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस 3 यू पावर 1/3 वी पावर 1/3 इंटू वाई माइनस यू प्लस वी बराबर क्या होगा जीरो के। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 3 यू पावर 1/3 वी पावर 1/3 इक्वल्स टू माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल, यू पावर 1/3 वी पावर 1/3 इक्वल्स टू 3, या यू वी इक्वल्स टू 27, क्यूब कर दें दोनों साइड में। फिर माइनस का यू प्लस वी यू प्लस वी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 28, यानी u प्लस वी इज इक्वल टू माइनस 28। अब आप पर डिपेंड करता है, आप चाहे तो u की या v की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उससे सॉल्यूशन हो जाएगा, या फिर हम ऐसी इक्वेशन लेट कर लेते हैं जिसके रूट्स u और v है। माना z क्यूब माइनस प्लस हो जाएगा 28z प्लस 27 इक्वल्स टू जीरो हैव रूट्स यू एंड वी, यानी ऐसी समीकरण है जिसके मूल जो हैं वो यू और वी है। देन हमारे पास जो कंडीशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग जेड स्क्वेयर होगा यहाँ पे, जेड क्यूब नहीं। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर हो रहे हैं इसके, 27z प्लस जेड प्लस 27 इक्वल्स टू जीरो, एक फैक्टर हो जाएगा जेड प्लस 27, एक फैक्टर हो जाएगा जेड प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, जेड की वैल्यू आ जाएगी माइनस 27 एंड जेड की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। एक जेड जो है वो यू को रिप्रेजेंट करेगा, यू इक्वल्स टू माइनस 27, और एक वी को माइनस 20 माइनस 1, इससे u की पावर 1/3 आ जाएगी माइनस 3 ओमेगा, पहले माइनस 3 फिर माइनस 3 ओमेगा और फिर माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, v की पावर 1/3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। वही सेम कंडीशन हमारे पास, y की वैल्यूज आ जाएगी माइनस 3 माइनस 1 यानी माइनस 4, एक वाई की वैल्यू आएगी माइनस 3 ओमेगा। अभी हमें क्या चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट प्लस का 27 चाहिए, अगर प्लस का 27 चाहिए तो यही पार्ट बनेगा, माइनस 3 ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी 3 चाहिए प्लस का तो इसका इससे मल्टीप्लाई करने पर ही बनेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर, और वाई की वैल्यू एक आ जाएगी माइनस 3 ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा। तीन कंडीशंस, तीन सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास। इन तीन सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमें x की वैल्यू निकालनी थी, x 1/y के इक्वल है तो -1/4, x इज इक्वल टू -1/3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड x इज इक्वल टू -1/3 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये हमारे पास आंसर है। या तो इसको ओमेगा को 1 प्लस वो जो वैल्यू थी वो पुट करके सॉल्व कर लो, या फिर एज इट इज छोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो एक समीकरण दी हुई है, क्यूबिक इक्वेशन है,
कार्डन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता था हमारे पास कि एक्स क्यूब का गुणांक इकाई होना चाहिए, वो है, लेकिन एक्स स्क्वेयर का गुणांक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक्स स्क्वेयर पद नहीं होना चाहिए, सेकंड स्टेप हटाना पड़ेगा। द्वितीय पद को हटाने के लिए सबसे पहले हम एन ए जीरो एच प्लस ए वन बराबर जीरो लेके चलते हैं, इससे एन की वैल्यू आ जाएगी थ्री, ए जीरो आ जाएगा वन, एच आ जाएगा प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, एच की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू। एच की वैल्यू माइनस टू आने का मतलब है कि हमें एक ऐसी समीकरण बनानी है जिसमें वाई का जो मान होगा वो एक्स प्लस टू के इक्वल होगा। अगर यहाँ माइनस टू आए तो एक्स प्लस टू के इक्वल होगा वाई की वैल्यू, और अगर प्लस टू आए प्लस टू आती तो एक्स माइनस टू उसकी वैल्यू होती, ठीक है। अब सबसे पहले माना वह समीकरण जिसके मूल दो अधिक हैं, दो अधिक ही हुए, माना वो समीकरण क्या है, वाई क्यूब ए जीरो वाई क्यूब प्लस ए वन वाई प्लस ए टू बराबर जीरो, क्योंकि द्वितीय पद तो जीरो बन रही है इसमें। उसके लिए वही सिंथेसिस मेथड लगाएंगे, एक छः नौ चार माइनस चार जीरो एक माइनस दो सॉरी माइनस दो चार माइनस आठ एक माइनस दो दो, ये मान हो जाएगा ए टू का, फिर माइनस दो जीरो एक माइनस दो दो माइनस चार यानी माइनस तीन ए वन की वैल्यू, फिर माइनस दो जीरो एक माइनस दो जीरो, ये हमारे पास वो जीरो हो ही जाता है स्टेप, और ये जो मान बच गया वो किसका है, ए जीरो का। तो समीकरण परिवर्तित हो गए हमारे पास, वाई क्यूब माइनस तीन वाई प्लस दो बराबर जीरो, जिसमें द्वितीय पद नहीं है, कार्डन मेथड के अकॉर्डिंग अब सॉल्व किया जा सकता है। कार्डन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए माना इसके जो रूट्स हैं वो y बराबर यू पावर वन बाई थ्री प्लस वी पावर वन बाई थ्री, इससे समीकरण बनेगी माइनस थ्री यू पावर वन बाई थ्री वी पावर वन बाई थ्री इंटू वाई प्लस माइनस का ही u प्लस वी बराबर जीरो। तुलना करेंगे u पावर वन बाई थ्री वी पावर वन बाई थ्री माइनस थ्री बराबर आ जाएगा प्लस थ्री के, माइनस थ्री के, माइनस से माइनस कैंसिल, थ्री से थ्री कैंसिल, u पावर वन बाई थ्री वी पावर वन बाई थ्री इज इक्वल टू वन या यू वी इक्वल्स टू वन आ जाएगा। फिर माइनस का u प्लस का v बराबर दो आएगा, यानी u प्लस वी बराबर माइनस दो। माना जेड स्क्वेयर प्लस दो जेड प्लस एक बराबर जीरो के मूल u तथा v है। अगर u और v दो मूल मान के चलते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास z प्लस एक का होल स्क्वेयर बराबर जीरो, z इज इक्वल टू माइनस एक और माइनस एक, यानी u का मान भी हमारे पास आ जाएगा माइनस एक और v का मान भी आ जाएगा हमारे पास, u की पावर वन बाई थ्री करेंगे तो माइनस एक माइनस ओमेगा स्क्वेयर, v की पावर वन बाई थ्री करेंगे तो माइनस एक माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वेयर। और हल करें तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक और माइनस एक यानी माइनस दो, दूसरी माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वेयर, माइनस कॉमन ले लें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर। हमें पता है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू जीरो होती है, तो माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू जो होगी वो प्लस वन हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर को माइनस वन रखेंगे, माइनस वन माइनस से प्लस हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से एक और वैल्यू,
माइनस ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा, फिर से माइनस कॉमन ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा, जो वैल्यू आएगी फिर से प्लस वन। तो y की ये वैल्यूज आ गई आपके पास माइनस टू वन और वन, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी थी। x की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस टू करेंगे, अगर x प्लस टू करेंगे तो क्या आएगा अभी, यानी y की वैल्यू हम माइनस टू पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस टू बनेगा ना, अगर y माइनस टू बनेगा तो माइनस का फोर, माइनस का वन और माइनस के वन, ये हमारे पास तीन सॉल्यूशन होंगे।